रहते हैं, सब सही से रहता है लोग। जब बाप चले जाते हैं हमारे साथ बहुत गंदा सलूक करते हैं लोग सर, कभी पेरू को मार देगा लोग, कभी हमारी सास मार देगी, कभी हमारे ससुर, कभी नाना, क्या हम करें सर। दहेज और बोल रहा है तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप गरीब है, खेत बेच कर हमारा शादी किए हैं, जिसमें सब चीज इन लोगों को दिए हैं सर, तब हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं। नमस्कार, वजहतनी झलको गोपालगंज, गोपालगंज जिला के नगर थाना क्षेत्र की फ्रेंड्स कॉलोनी में ससुराल वालों के क्रूर चेहरा सामने आ रहल बा, जहां एगो विवाहिता के शरीर पर गर्म पानी फेंक करके ओकरा के बुरी तरह से जलाए की कोशिश कर गई बा। विवाहिता के आरोप के मुताबिक महिला का चेहरा और शरीर के कई अंग गर्म पानी से जल गई बा, जकरा वजह से महिला कोनो तरह अपन जान बचा के और मासूम के साथ सदर अस्पताल पहुंचल बाड़ी। पीड़िता फ्रेंड्स कॉलोनी निवासी इरशाद आलम के पत्नी मासूम खातून बतावल जा रहल बड़ी। सब सही से रहता है लोग, जब बाप चले जाते हैं हमारे साथ बहुत गंदा सलूक करते हैं लोग सर, कभी पेरू को मार देगा लोग, कभी हमारी सास मार देगी, कभी हमारे ससुर, कभी नाना, क्या हम करें सर। ये देखिए कैसा हमारा हाल कर दिया है लोग, लेकर हम क्या करें सर। दहेज और बोल रहा है तुम्हारे माँ बाप, हमारे माँ बाप गरीब है, खेत बेच कर हमारा शादी किए हैं, जिसमें सब चीज इन लोगों को दिए हैं सर, तब हमारे साथ ऐसा सलूक करते हैं लोग। बोलता है लोग कोई कुछ नहीं करेगा, जा तुमको जहाँ जो करना है करो, लेकिन सर हम डर से, उन लोगों के डर से बोलता है लोग हम तुमको मार देंगे अगर कोई भी जान जाएगा तो, उन लोगों के डर से हम इतना नहीं सर कर्म भाई से सर। कौन बुलाया? छोड़ दो, हम नहीं रहने देंगे, नहीं तो तुमको मुंगा देंगे, तुम्हारे बच्चे को मार देंगे। उनको बार बार फोन करके बोल रहा है लोग इनको छोड़ दो, छोड़ दो, झूठ साँच सब जोड़ देता है लोग, सब उल्टा सीधा सब उनसे फोन कर करके बोल देते हैं। जो हमारी एक नाना दे वो क्या कि कुकर आके उसी में चावल डाल के और वहाँ पानी वानी गिरा ली, फोटो खींच कर भेज दी, बोल रही थी अपने से सब मुँह सब जला लिए, खाना बनाने का इसका ढंग नहीं। अब ऐसा सुना ना। घटना के संदर्भ में बतावल जाता कि सिवान जिला के जामो स्थित लद्दी गांव निवासी सफायत अली के बेटी मासूम खातून के शादी 2017 में होल रहे। शादी के बाद एक बच्ची भी जन्म रहलस। सब कुछ ठीक ठाक चलला के बावजूद यही बीच शादी के 3 साल बाद मासूम खातून के पति कमाए के खातिर विदेश चल गए। यहाँ ससुराल वाला मासूम खातून के साथ प्रताड़ना शुरू कर दिले बाड़े। विवाहित महिला मासूम खातून के बतावे के अनुसार ससुराल वालों के द्वारा गाली गलौज के साथ साथ मारपीट भी कई जात रहा और साथ साथ कई प्रकार के आरोप भी लगावल जात रहा। एकर विरोध कैला पर महिला के ऊपर गर्म पानी ससुराल पक्ष के लोग के द्वारा फेंक दिया गया, जेकरा वजह से महिला के मुंह और शरीर के कई अंग जल के झुलस गई। महिला के अभी फिलहाल सदर अस्पताल में इलाज चल रहा बा।